बता दीजिए। देखिए फिलहाल क्योंकि कैफी साहब की सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेशन 14 जनवरी 2019 को, उनको 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके लिए सारा साल हम लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों में और मुल्कों में जाके उनकी शताब्दी मना रहे हैं। इस सिलसिले में सुमांत घोषाल जो कि सत्यजीत रे के भांजे हैं, वो एक फिल्म बना रहे हैं कैफी साहब पर, तो इसलिए वो यहाँ आए हुए हैं। वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो घर देख रहे हैं जहाँ कैफी साहब की पैदाइश हुई थी, वो काम देख रहे हैं जो कि कैफी साहब की वजह यहाँ हुआ है। तो कल हमने जो है एम्ब्रॉयडरी सेंटर है वहाँ शूटिंग की, अब कंप्यूटर सेंटर में करेंगे और स्कूल में करेंगे। तो जो मिजवा में जो तब्दीली आई है और जो बदलाव आया है वो उसको वो कैप्चर करेंगे। इसके साथ साथ मेरे भाई जो हैं बाबा आजमी, वो एक फिल्म बना रहे हैं जो कि वो जनवरी में शुरू करेंगे, और जो बहुत खुशी की बात है कि मिजवा की ही एक लड़की उसका मेन रोल करने जा रही है। तो आप सोचिए कि ये सिर्फ मिजवा के लिए नहीं, पूरे आजमगढ़ के लिए, पूरे यूपी के लिए कितनी खुशी की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब्बा की रूह को बहुत खुशी होगी कि उनका गांव मिजवा अब इस काबिल हो गया कि वहां की लड़की बाबा की फिल्म में, मीर अक्सम है फिल्म का नाम, उसमें मेन रोल कर रही है। अच्छा मैम, यहाँ जो कैफी आजमी का सपना था, तो क्या क्या उस पे हकीकत पे आप उतार पा रही हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, जब आप मिजवा आते हैं तो एक इतना छोटा सा गांव के जो कि हिंदुस्तान के नक्शे पे भी नहीं था, उसका एक पिन कोड भी नहीं था, वो आज सारी दुनिया में मशहूर हो गया है।